तक नहीं पीते हैं वो कोई समाज है तो आर्य समाज। अब ये समाज में पवित्रता लाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं आर्य समाज की क्या जरूरत है, ये जरूरत है इस समय आर्य समाज की कि लोग कोई भी एक व्यक्ति भी नशा ना करे, इसके लिए आर्य समाज चाहिए। और ये आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, सब प्रकार की दिव्यता हो। यह हमें आर्य समाज सिखाता है। तो जितने भी आर्य समाज के यहां कर्णधार है, कार्यकर्ता हैं, आर्य वीर दल के बच्चे हैं, वो इस मिशन को लेकर के जाए कि जहां भी रहेंगे वहीं पर लोगों को नशा के से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस देश में ड्रग्स, बड़े बड़े स्टार्स, कहीं पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर कितने दिनों जेल की हवा खा करके आया। क्या शाहरुख खान का बच्चा ड्रग भी ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स, इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है और अलग अलग तरह के नशे। एक संकल्प तो हमें यह लेना चाहिए कि इस पूरी भारत भूमि को, इस आर्यावर्त देश को, इस ऋषियों की भूमि को हमें सब प्रकार के नशों से मुक्त करना है। ऐसा हम आंदोलन चलाएं, पूरे समाज नशा मुक्ति का आंदोलन, और इसकी जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, विद्यार्थी बर्बाद हो रहे हैं, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। हमें एक नशा मुक्त समाज बनाने का एक आंदोलन चलाना पड़ेगा आर्य समाज की ओर से, जाति मुक्त भारत का। माना कि जाति भारत की सच्चाई है, अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं 99%, वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी, और यार समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक ईश्वर की संतान होने के नाते, एक पूर्वज ऋषिकाओं की संतान होने के नाते, एक पूर्वजों की, एक ईश्वर की और एक भारत माता की संतान होने के नाते हम ये सब एक समान हैं। यह आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन है, एक समानता, कोई भेदभाव नहीं। ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्यों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, दलितों, वनवासियों, आदिवासियों के नाम पर समाज को बांट दिया गया। अभी भी यह विभाजन चल रहा है। कुछ लोग राजनीति में ओबीसी, मुसलमान, दलित, वनवासी, इनके नाम पर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब चुनाव होता है तब इस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं। इस भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया तो महर्षि दयानंद और हमारा यह कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जातियों के नाम पर बटेगा, और पंथों के नाम पर तो हाल ही बुरा है। चलो अभी पांथिक एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन जातियों की दीवारें अभी भी खड़ी हुई। जाति मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, सब प्रकार की असमानताओं से मुक्त भारत, दिव्यता से युक्त भारत। और इसका एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हम बचपन में जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मन में इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ना है। और हमने उस इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटकर के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाई। आज इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का यदि कहीं समग्र रूप से उसकी दिव्यता के साथ कहीं पर वहां भारतीय शिक्षा पद्धति कहो, गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा कहो,
वो कहीं पर जिंदा है तो मात्र केवल और केवल आर्य समाज में जिंदा है। बाकी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा ध्वस्त हो चुकी थी और आर्य समाज में भी बेटियों को शिक्षा दीक्षा देने का जो कभी वैदिक काल में हुआ करता था कि हमारी बेटियां वेद की ऋचाएं गाया करती थी और वेद की ऋचाएं नहीं गाती थी, वेद के ऋचाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए ऐसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुआ करती थी, उसका मूर्त रूप कहीं है तो ये मुरादाबाद के ही जिले के एक छोटे से गांव में चोटीपुरा में, गुरुकुल चोटीपुरा के अंदर।